नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए काफी अहम दिन है और काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि कल पहले तो निफ्टी के बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं और उस पर रिएक्शन होगा, प्लस ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत है। अब जो भी होगा, लेकिन अगर कल बाजार गिरता है, क्योंकि गिरावट के ज्यादा संकेत दिख रहे हैं, इसलिए मैं इस तरीके की वीडियो बना रहा हूं, तो आपको क्वालिटी शेयर्स को खरीदना है। देखिए, आप में से किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो लगाना चाहता है, जिसके पास शेयर्स हैं वो उन शेयर्स के बारे में जानना चाहता है। ये सबका ही फंडा है, आपका है, किसी का अकेला का नहीं है। लेकिन आपको एक चीज जरूर कहूंगा, चाहे आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो, एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना। मन में लालच आता है कि यार इस भाव पे मिल रहा है, सारा लगा दो, कल को बढ़ा दो, इतना बड़ा पैसा बन जाएगा। वो रिटर्न्स तुरंत इंस्टेंटली कैलकुलेट हो जाते हैं आपके दिमाग में, बट वो स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से गलत होती है। आपके पास 1,00,000 रुपए, आपको दिख रहा है कोई चीज इस भाव पे ट्रेड कर रही है, यहां से 2% ही बढ़ गई तो मेरे 2,000 रुपए बन जाएंगे सीधे, तो एक साल लगाओ। नहीं जी, आपको 3 बार के लिए पैसा कम से कम करना है, आपको 30,000 ही लगाना है, उसके बाद 30,000 दोबारा गिरावट में लगाना है, फिर 30 और गिरावट में लगाना है, और बचा हुआ 10 आप जब दिल करे तब लगा देना। इससे दो चीजें होंगी, पहला आपका शेयर इनकेस और गिरता है तो आपको वो एडिशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी लगेगी, आपको डर नहीं लगेगा। तीसरी चीज होगी जो सबसे बड़ी, वो ये होगी कि आप मार्केट को समझ पाओगे। आप बाजार में कभी बॉटम में नहीं खरीद सकते, आप मार्केट को ये नहीं कहोगे अब यार पैसा लगाया गिर गया, आप ये कहोगे ठीक है मार्केट है, गिर रहा है, मेरे लिए मौका क्रिएट कर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मार्केट की बॉटम में आज तक ना कोई खरीद पाया ना कभी खरीद पाएगा। आप सोचोगे आज गिरावट जो गई है वो बस खत्म, यहीं से भागेगा, कल आपको फिर मार्केट एक और गिरावट दिखा सकता है। अब कौन से शेयर्स हो सकते हैं, इसको समझते हैं डायरेक्टली बिना किसी देरी के। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स हैं। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर्स की बात करूं तो अगर गिरावट होती है डिफेंस सेक्टर में तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BDL, ये फोकस में रखने हैं। BEL को मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये रिजल्ट्स पे रिएक्शन देगा, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। HAL और BEL अगर करेक्ट होता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली रडार पे रखें और बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। रेलवे की बात करें तो RVNL, IRFC, टीटागढ़ रेल सिस्टम, इरकॉन इंटरनेशनल, ये सारे ही अच्छे लगते हैं। गिरावट ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज कम से कम 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाओगे ये सोच के लगाना, और हर इंस्टॉलमेंट में 5% का गैप होना चाहिए तब लगाना, क्योंकि ये क्या है मिड कैप से लार्ज कैप हो गई है कंपनी, इतनी बड़ी हो गई है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, बहुत तेज भागी है, तो इनमें करेक्शन अगर मार्केट में हुई तो ज्यादा हो सकती है, तो वो चीज ध्यान में रखती हो। थोड़ा सा बायोन डिप ज्यादा लंबा कर देना, ये मेरी राय होगी। नेक्स्ट, ईवी सेक्टर को लेकर सरकार काफी बुलिश है। ईवी की बात करूं तो स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ज्यादा, मिड कैप में ज्यादा ध्यान दीजिए, स्पेशली ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज पे, लाइक गैब्रियल इंडिया हो गया, उनो मिंडा हो गया, सोना BLW अभी रिजल्ट्स के बाद बहुत तगड़ी तेजी में रहा था, तो करेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये हो गए। बाकी टॉप प्लेयर में आपके लिए टाटा मोटर्स है, टॉप प्लेयर में अशोक लेलैंड है, आपके लिए JBM ऑटो, ऑलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, MNM 2025 से ईवी मार्केट में उतर रहा है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एथेनॉल अगला टॉपिक हो जाता है क्योंकि सरकार तो पूरी तरीके से पेट्रोल पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम करना चाहती ही चाहती है। एथेनॉल में आपके लिए प्राज इंडस्ट्रीज हो जाता है, एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, बहुत तगड़ी कंपनी है, बट तेजी बहुत ज्यादा बन गई है, 350 से कह रहा हूँ मैं उस स्टॉक के बारे में, अभी तो ऑलमोस्ट 550 करीब पहुंच गया, 480-440 मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वो रडार पे रखना है। ये सारे स्टॉक्स ऐसा नहीं है खरीदने हैं, वॉच लिस्ट में लगाने हैं, जो भी अच्छा लगे उसको 3-4 इंस्टॉलमेंट में बाय ऑन डिप्स करना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप बाजार गिर रहा है, आपको पता ही नहीं खरीदना क्या है, भाव देख के खरीदने जा रहे हो, तो फिर तो आप फंस सकते हो। वॉच लिस्ट बना ली, यानी कि अच्छे स्टॉक्स हैं, अब गिरावट में मेरे को डरना नहीं है, खरीदना है, ये आपका व्यू होना चाहिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बट इसको मैं अभी अवॉइड करूंगा क्योंकि आई थिंक कल इसके नंबर्स आने वाले हैं, तो नंबर्स पे रिएक्शन आएगा तो अभी अवॉइड करूंगा, नेक्स्ट डे से देखेंगे। श्री रेणुका सुगर और चीनी डायरेक्ट पे करना है तो बलरामपुर चीनी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट, और अगले सेक्टर की तरफ आगे बढ़े तो आपको ना दिग्गजों को भी फोकस में रखना है इस समय, लाइक रिलायंस हो गया, ऑलरेडी बहुत टूटे हुए हैं, 2-2% के गैप से भी लगाओगे ना तो भी मुझे लगता है 3 इंस्टॉलमेंट 6% का गैप हो गया और वो बहुत अच्छा हो जाएगा। HDFC बैंक, एशियन पेंट भी मैं इसको इंक्लूड करूंगा, बट अभी नहीं, 2800 रुपए से शुरू करना चाहिए लेना, और हर 3% पे आप चाहो तो इसको 3 इंस्टॉलमेंट तक लगा सकते हो। तो ये कुछ ऐसे दिग्गज कंपनीज हैं जहां आप फोकस कर सकते हो, बाकी बहुत बड़ा मार्केट है, रियलिटी स्पेस भी बहुत अच्छा कर रहा है, वहां भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो वॉच लिस्ट में लगाने चाहिए, कितना कितना इंस्टॉलमेंट लगाना है वो सोचना चाहिए, और गिरावट पे फिर अपना एक्शन लेना चाहिए।
होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।